अभी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य सतीश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंचांग से। आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंचांग आज 16 मार्च दिन शनिवार, फागुन शुक्ल पक्ष की आज दसवीं तिथि है, जो कल रात्रि 12 बजे तक चलेगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, जो 2:13 तक रात्रि तक चलेगा। आज इन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर होगा के, को, हा और ही। आज किसी प्रकार का गंडमूल दोष नहीं है, पंचक दोष नहीं है। आज सौभाग्य योग है, प्रातः 7:35 तक चंद्रमा मिथुन राशि में है और सूर्य भगवान मीन राशि में चल रहे हैं। आज का राहु काल प्रातः 9:05 से लेकर 10:35 तक रहेगा। आज दिशाशूल, आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, अति आवश्यकता में ही पूर्व दिशा की यात्रा करें। यात्रा करने से पहले अपने इष्ट का ध्यान लगाएं और दूध पीकर यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आज रवि योग है, पूरा दिन सूर्योदय से कल सूर्योदय तक रहेगा। आज का शुभ समय, आज का चर चौघड़िया रहेगा दोपहर 12:20 से लेकर 1:25 तक। उसके बाद अमृत चौघड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 तक। उसके बाद अमृत चौघड़िया भी है, लाभ चौघड़िया भी है, वो रहेगा 3:30 से लेकर 5 बजे तक। ये समय बहुत ही उत्तम है, इसमें आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, किसी भी प्रकार की खरीददारी आप कर सकते हैं। आज का पंचांग आचार्य जी ने बताया, आज का राशिफल भी जान लेते हैं। राशिफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहेगा, कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे और किन कार्यों को करने से आज आपको बचना चाहिए। आचार्य जी आज का राशिफल भी हमारे दर्शकों को बताएं कि राशिफल के अनुसार आज की दिनचर्या कैसी रहेगी। मेष राशि के जातक, आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा, अपने काम को नई पहचान मिलेगी, व्यवसाय में नए निवेश का अवसर भी मिलेगा। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार के अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के लोगों का आज कानूनी रूप से आज का दिन आपका बहुत ही उत्तम रहेगा, कोर्ट से कोई पुराना लंबित मामला चल रहा है, आज वो सुलझ जाएगा। कर्क राशि के जातक, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कर्क राशि के लोगों के लिए आज अच्छी खबर मिल सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आज नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। सिंह राशि के लोगों का आज रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, व्यापार में नए निवेश के अवसर खुलेंगे। कन्या राशि के लोग आज सोच समझकर कोई निर्णय लें तो ही बेहतर होगा, जल्दबाजी में उठाए गए कदम से आपको हानि हो सकती है। तुला राशि के लोग आज अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से बहसबाजी से आप अपनी नौकरी या काम को गवा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक, आज कई दिनों से कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज आपको पुराना अटका हुआ धन भी मिल सकता है। धनु राशि के लोगों के लिए आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ नहीं है, व्यवसाय में कोई नया काम या निवेश करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल न करें। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभ राशि के जातकों का दिन आज अपनों से धोखा मिल सकता है, किसी नए काम को शुरू करने से दूसरों की सलाह न लें। मीन राशि के जातक, रोजगार के क्षेत्र में आज आप लोगों का दिन बहुत ही शुभ रहेगा,
कई दिनों से बेरोजगार बैठे हैं, तो आज आपको नौकरी का शुभ समाचार मिलेगा। आज का राशिफल आचार्य जी ने बताया, राशिफल के अनुसार कैसा आपका दिन रहने वाला है, कौन से कार्य आपको करने चाहिए और किन कार्यों से आपको हानि हो सकती है, तो उनसे बचने के लिए भी आज आचार्य जी ने बताया है। तो चलिए हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से पहली दर्शक लविका हमारे साथ जुड़ गई है। लविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। खुश रहो पंडित जी। मैंने ना बाहर का पेपर, आईलेट्स के पेपर की तैयारी की थी बड़ी मुश्किल से, तो मैंने अभी पेपर मेरा भी क्लियर हुआ है, तो मैंने अभी फाइल लगाई थी, मेरी फाइल का ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल आ गया है। बताइए जन्म समय बताइए। मेरा जन्म समय है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर मंगलवार। 26 अक्टूबर 1999। हाँ जी। समय मंगलवार। समय याद है? और हाँ जी, समय 11 बजे दिन का। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। देखिए, विदेश के लिए सबसे पहले तो चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप निराश ना होइए, थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी आपको दोबारा, क्योंकि इस समय थोड़ी रुकावटों का समय चल रहा है। अगर आप अपने जन्मदिन के बाद यानी 26 अक्टूबर के बाद अगर आप ट्राई करते हैं, तो मेरे हिसाब से उस समय आपका हो जाएगा। अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें, इच्छा शक्ति को स्ट्रांग रखें, कार्य हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपका कार्य कभी नहीं होगा, ऐसा योग नहीं बनता। योग बनता है कि आप विदेश में जाएंगे, परंतु थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा पूरी मेहनत के साथ। दोबारा किस कारण से वो रिफ्यूज हुआ, उसके कारणों का पता करें और अगली बार आपका कार्य हो जाएगा। उसके लिए आप लाल रंग का धागा जरूर बांधे अपने हाथ पे। बहुत बहुत शुक्रिया लविका जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगली दर्शक पंजाब से हमारे साथ चांदनी जुड़ गई है। चांदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए क्या पूछना चाहती है। आपकी प्रश्न कुंडली लगाई मैंने, प्रश्न कुंडली में आ रहा है पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा। थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ी कोई आपकी अगर जान पहचान है कहीं अफसर के साथ, उससे कहिए, पैसा तो मिलेगा। समय आपका वो रहेगा सितंबर 2019 के बाद। प्रयास करते रहें और सूर्य को जल दें। अच्छा। जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न होकर आपको सरकार से पैसा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चांदनी जी, जिस तरह से हम हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं, तो आज भी एक विषय आपके सामने रखना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की भी समस्या है। आचार्य जी, हम हमेशा जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर रखते हैं कि उसको कैसे पूरा किया जाए, तो क्या कुछ उसको लेकर करना चाहिए? आचार्य जी उसके उपाय बताएं, क्योंकि लंबे समय से प्रयास किया जाता है लेकिन उसमें अटकलें आती रहती है, उसको अपने दृश्य को अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें? बिल्कुल लक्ष्य, आजकल बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं जी, और लक्ष्य को छोटी उम्र में ही यानी 10वीं क्लास के आसपास या 8th क्लास के आसपास अपने लक्ष्य बना लेते हैं जी, उसके हिसाब से कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं, ज़्यादातर हो भी जाता है जी। जो बच्चे बीच में डामाडोल हो जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब होता है, सूर्य खराब होता है, क्योंकि चंद्र जब भी खराब होगा इंसान हड़बड़ी में रहेगा। कहीं जाना है उसने कोचिंग लेने के लिए, एक तो लेट उठेगा, उसके बाद जल्दी जल्दी जाएगा, बहुत तेज़ी से लेट पहुँचेगा, तो चंद्रमा हड़बड़ी के कारण वो बच्चा पीछे रह जाता है। तो ऐसे बच्चों को प्लानिंग पहले करनी चाहिए, कल मैंने इतने बजे जाना है, ये कपड़े पहनने, ये किताब है, वहाँ पे ये पढ़ाई होगी, ऐसा अगर एक रात पहले सोच के सोएं तो वो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और चंद्रमा के उपाय, माता की सेवा, माता का आशीर्वाद सबसे बढ़िया चंद्रमा का उपाय है जी। और माता के हाथ से थोड़े से चावल, 50 ग्राम चावल लेकर अपने पास रखे, स्थायी रूप से अपने पर्स में रखे, जिससे चंद्रमा
धीरे धीरे इसका अच्छा हो जाएगा। चलिए हमारे दर्शक शाहबाद से हमारे साथ पारस जुड़ गए हैं। पारस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पढ़ाई में कैसा रहेगा जी? जी जन्म तिथि बताएं पारस। जन्म तिथि 13 अगस्त। हाँ जी 13 अगस्त 2003। 13 अगस्त 2003 बिल्कुल। हाँ जी समय बताइए। समय 2 बजे। बिल्कुल ठीक है। देखिए आपकी जन्म कुंडली से हिसाब से आपका गोल्डन समय जो शुरू होगा वो 2021 में होगा। 21 के बाद आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तब तक थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय आप परिपक्व हो रहे हैं, यानी मुसीबतों से जो आदमी लड़ता है वो आगे जाके सोना बन जाता है, पारस बन जाता है। तो इस समय आप पारस बन रहे हैं, सोना बन रहे हैं, आपके नाम से भी पारस हैं आप, तो दूसरों का कल्याण करने वाले हैं। तो इस समय आप परीक्षा की घड़ी है, इस समय आप परीक्षा हो रही है आपकी और परीक्षा में आप पास हो जाओगे। 2021 के बाद आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, विदेश यात्रा का योग भी आपका जरूर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पारस जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले दर्शक जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं आप, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैम मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ मैम, कई काम मैम सफल नहीं हो पा रहा है, सब कुछ बंद हो गया मैम। जन्म तिथि बताएं राजेंद्र। क्या हुआ? जन्म तिथि बताएं अपनी। 27 अक्टूबर 1999। 27 अक्टूबर 1999। हाँ जी टाइम बताइए। टाइम सर सुबह का होगा, टाइम को पता नहीं। ठीक कोई बात नहीं। देखिए आपकी जन्म राशि, अगर समय नहीं पता होता तो हम जन्म राशि से ग्रहों का आकलन करते हैं। तो आपकी जन्म राशि से इस समय थोड़ा स्ट्रेस का समय चल रहा है आपका, केतु खराब चल रहा है। इस समय को आप निकालिए, सितंबर अक्टूबर तक ये समय निकालिए। इसमें आपको मानसिक अशांति हो सकती है, विल पावर डाउन हो सकती है और अपने आप को अधूरापन सा महसूस कर सकते हैं, मैं किसी काम का नहीं, ऐसे विचार आ सकते हैं क्योंकि ये केतु ऐसे विचार देता है और अपने आप को इंसान पीछे समझता है, सबसे पीछे रह गया। पर ऐसा नहीं है, जब भी केतु ठीक हो जाएगा उसकी दशा खत्म हो जाएगी। सितंबर में आपकी दशा खत्म हो रही है, उसके बाद शुक्र की दशा आ जाएगी। शुक्र क्या अचानक खुशियां देगा आपको, गाड़ी वाहन सब कुछ सारी सुविधाएं देगा और आप अच्छे इंसान हैं, परंतु थोड़ा समय खराब चल रहा है, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें, अक्टूबर तक इंतजार करें, उसके बाद बहुत समय आएगा, आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। तब तक आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, एक तो कान छेदन करवाएं, बहुत जरूरी है आपके लिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, क्योंकि जब केतु खराब होता है तो नेगेटिव नकारात्मक सोच ज़्यादा जाती है। तो इस समय आपके ऐसे चल रहे हैं ग्रह, सकारात्मक सोच के लिए कान छेदन कराएं और एक सफ़ेद रंग का झंडा मंदिर में वीरवार को जरूर लगा के आए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चारे जी हम बात कर रहे थे टारगेट को लेकर, मेहनत के बाद भी यश नहीं मिलता, इसका भी आप उपाय बता दें, क्योंकि लगातार इंसान मेहनत करता है लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता, कितना कार्य करने के बाद भी क्यों यश की प्राप्ति। बिल्कुल देखिए ऐसे प्रश्न अभी किसी ने पूछा था जी, सारा कुछ खराब हो गया, केतु का कारण होता है। जब भी केतु खराब होता है नकारात्मक सोच आ जाती है, इंसान सोचता है मैं सबसे पीछे रह गया, परंतु केतु अगर आप ठीक कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच, सोच ही सबसे बड़ी चीज है, अगर आपके अंदर अच्छी सोच है तो आप मेहनत करेंगे, अगर आपकी सोच ही नकारात्मक है तो आपकी मेहनत पूरी नहीं होगी, आप जो पूरी ताकत लगाना चाहते हो काम में नहीं लगेगी। तो सबसे पहले अपने केतु को ठीक कीजिए। केतु ठीक करने का उपाय मैंने अभी बताया, दोबारा बताता हूँ, एक सफेद रंग का झंडा लें, उस पे गोल्डन कलर की क्यारी किनारा लगाइए और उसको मंदिर में रख के आइए। कान छेदन सबसे बढ़िया उपाय है केतु का, केतु पॉजिटिव करने के लिए। केतु अच्छा हो जाएगा तो इंसान बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, कभी भी वो थकता नहीं है, कुत्ते की सेवा करनी चाहिए ताकि जो आपकी विल पावर है वो अच्छी हो जाए और आपको यश मान मिले। क्योंकि जब केतु खराब होता है तो आप किसी बॉस के पास जाते हैं या अपने किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपकी बात में वजन नहीं होता,
आप बोलते रहते हैं आधी घंटे पर अगले को दो मिनट भी आपकी बात अच्छी नहीं लगती, तो आपकी बात में वजन हो तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। केतु ठीक करने से आप अगर दो शब्द भी बोल लेंगे तो अगला इंसान इंप्रेस हो जाएगा और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। जी बहुत अच्छी बात आचार्य जी, आपने बताया कि सोच अच्छी होने से हर कार्य संभव है। तो फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए।